के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। अगर कहा जाए खुद को पोषण का शिकार हो गया हूँ, पैर दिखोगे कभी अभी दिखाता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है। ये थे डॉक्टर कफील जो 1 सितंबर की देर रात को मथुरा जेल से रिहा हुए। डॉक्टर कफील पर NSA लगाया गया था। जय भीम जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। डॉक्टर कफील एक ऐसा नाम है जो 2017 में सामने आया। 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के BRD अस्पताल में 70 बच्चों की मौत ऑक्सीजन ना मिलने से हो गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए, लेकिन ये बात प्रशासन को शायद पची नहीं और उल्टा डॉक्टर कफील पर कई आरोप लगा दिए, जिस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया। रिहा होने के अगले ही दिन वे सोशल मीडिया के जरिए लोगों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया। ना केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी कई तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिसमें एक बार उनके भाई को किसी ने गोली भी मार दी थी। डॉक्टर कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन क्या सच में डॉक्टर कफील ने भड़काऊ भाषण दिया था? जबकि इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया था वो बिल्कुल भड़काऊ नहीं था, बल्कि उसमें सद्भावना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, BRD में मारे गए बच्चों, अर्थव्यवस्था आदि की बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन और सरकार ने उसे उल्टा ही मामला बना दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बेकसूर को जबरन फंसाया गया हो या उसे झूठे आरोप में सजा काटनी पड़े। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जेल में बंद कैदियों से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि इसमें बताया गया है कि दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों की जेल में संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से अलग है, यानी जितनी जनसंख्या उनकी है उसके अनुपात के हिसाब से जेल में उनकी संख्या ज्यादा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग और सवर्णों के मामलों के साथ ऐसा नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ष 2019 के आंकड़े यह भी बताते हैं कि हाशिए पर पड़े समूहों में मुसलमान एक ऐसा समुदाय है जिनके दोषियों से ज्यादा विचाराधीन मामले हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 के आखिरी तक देश भर के जेलों में 21.7% दलित बंद थे। जेलों में विचाराधीन कैदियों में 21% लोग अनुसूचित जातियों से थे। जनगणना में उनकी कुल आबादी 16.6% है। आदिवासियों के मामले में भी अंतर बड़ा था। इनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के देखे गए हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार उन लोगों पर हमला कर रही है जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनकी जाति और धर्म दलित, आदिवासी, मुस्लिम हैं, तो उनके लिए सजा का प्रावधान और सख्त कर दिया जाता है और जबरन उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा ही पत्रकार और एक्टिविस्ट प्रशांत कनौजिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैनी बाबू के साथ भी हुआ। प्रशांत को दूसरी बार जेल भेजा गया है। उन पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं और सरकार पर भद्दी टिप्पणी करते हैं। इससे पहले प्रशांत को जून 2019 में भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत को रिहा करते हुए कहा था कि किसी नागरिक की आज़ादी के साथ समझौता नहीं हो सकता। ये उसे संविधान से मिली है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशांत को भविष्य में ऐसा ना करने के लिए भी कहा गया था। इस बार अगस्त में प्रशांत को जब एक फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो कई सवर्ण लिबरल प्रोग्रेसिव लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए देर नहीं की। हालांकि जिस पोस्ट पर बवाल किया गया था वो एक हिंदू संगठन के नेता सुशील तिवारी का पोस्टर था, जिसे कथित रूप से प्रशांत ने तोड़ मरोड़ कर ट्वीट किया था। हालांकि कहा जा रहा है कि वो पोस्ट सुशील तिवारी ने लिखी ही नहीं थी। उस पोस्टर को केवल प्रशांत ही नहीं बल्कि कई लोगों ने शेयर किया था, लेकिन गिरफ्तारी केवल प्रशांत की हुई। FIR भी खुद सुशील तिवारी ने नहीं बल्कि लखनऊ के हजरतगंज थाने के SI दिनेश शुक्ला ने लिखवाई थी, जिसमें लिखा गया था कि सुशील तिवारी की मानहानि हुई है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर सुशील तिवारी की मानहानि हुई तो उन्होंने खुद FIR क्यों नहीं लिखवाई? खुद सुशील तिवारी अपने सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे कई संगठन और हैं जो मुस्लिमों दलितों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में यह क्यों ना कहा जाए कि ऐसे लोगों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैनी बाबू को 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ये मामला 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें कोरेगांव युद्ध के 200वें वर्षगांठ समारोह के बाद हिंसा में एक व्यक्ति मारा गया था और कई लोग घायल हुए थे। इस केस में 14 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और सभी पर एल्गार परिषद नाम के आयोजन में शामिल होने का आरोप है, जिसे दलित और अंबेडकर समर्थकों ने आयोजित किया था। कहा गया है कि जांच में पाया गया कि इस आयोजन में भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई गई थी। सोमवार की देर रात को रमेश केचौर और सागर गोरखी को भी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था, जो दोनों ही दलित हैं। डॉक्टर कफिल ने रिहा होने के दूसरे दिन ही लोगों के सामने रूबरू होने के लिए लाइव किया था, जिसमें उन्होंने अपने दर्द के साथ एक खूबसूरत लाइन कही थी, जुल्म के दौर में जुबां खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। लेकिन ऐसे में डॉक्टर कफिल, प्रशांत कनौजिया, हैनी बाबू जैसे कई लोग ऐसे हैं जो आवाज बुलंद करने से पहले भूल जाते हैं कि हमारे देश में आवाज उठाने की सजा पहले से ही तैयार रहती है। अपने और समाज के अधिकार मांगने वाले को यहाँ देशद्रोही, गद्दार या ये कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। यहाँ आपको कुछ लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको गद्दार कहने वाला तबका आपको ट्रोल करेगा और हर पल ये कोशिश करेगा कि किसी तरह आप गिरफ्तार कर लिए जाए, और जैसे ही सरकार और प्रशासन को मौका मिलता है वे आपको गिरफ्तार कर भी लेंगे, फिर चाहे मामला झूठा ही क्यों ना हो। NCRB के आंकड़े आने के बाद यहाँ मुझे मलिकजादा मंजूर अहमद का लिखा हुआ याद आ रहा है, वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। ये सालों पहले लिखा गया था और तब लिखने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये बात 21वीं सदी में भी एकदम सटीक बैठेगी, जब मजलूमों पर अत्याचार होगा, जहां कातिल भी वही, इंसाफ करने वाला भी वही, अदालत भी उसकी और गवाह भी उसी का होगा। तो क्या आम इंसान को, या ये कहूँ बहुजन को, इंसाफ मिलना आसान होगा? आज बस इतना ही। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए द शूद्र देखते रहिए और अपने साथियों को भी दिखाते रहिए। इसके लिए द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय भीम, जय जोहार, जय भारत। दाशूद्र के लिए मीना कोटवाल। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में दाशूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है दाशूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।